सेव टाइम सेव लाइफ। इस भाग दौड़ जिंदगी में अपना ध्यान आए ना आए, पर इस टाइम को अपना ध्यान जरूर आता है। तो मिलते हैं अपने आप के इस वीडियो में सेव टाइम सेव लाइफ। कुछ दिन पहले लोग खुद चलते थे अपने ऑफिस जाने के लिए, पर अभी लोग ओला उबेर लोकेशन ढूंढ रहे और अवेलेबल की राह देख रहे। टाइम बदलता है और टाइम बदलते ही रहेगा। क्या करे भाई, शरीर का वजन कम होने से ही बढ़ रहा है, शायद मुझे डाइट करना पड़ेगा। आप डाइट करो या न करो, पर बर्गर पिज्जा को देख कर डाइट सुनना ही हमें अच्छा नहीं लगता। टेस्ट माय बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, पर क्या करूं, कैसे करूं, कौन बताएगा, किससे मिलूं? भाई एक बात है, एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा। तो दोस्त ही मेरा, वो तो जा रहा है जिम में, उसके साथ डेली एक्सरसाइज करता हूं। उसके जैसा फिटनेस देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या दीपिका भी नंबर दे देगी। उसके साथ डेली एक्सरसाइज कर लूंगा, एक दो महीने में तो ऋतिक जैसे तो बन ही लूंगा। चलो तो कल से चालू करता हूं। सुबह तो उठने की आदत तो है नहीं, कर लूंगा। तो सुबह कॉल करेगा तब उठ जाऊंगा। दोस्त करे या ना करे, अपनी नींद तो 8 घंटे पूरी होती ही नहीं है। फिर दूसरे दिन दोस्त के साथ पार्टी। पार्टी तो होती है, पर अब पार्टी में खाने पीने से खुद को तो नहीं रोक सकता हूँ। जाने दो, जो होगा वो देख ले। अपना टाइम बनता है तो भाड़ गए जनता। ऐसे टाइम में डायलॉग भी बड़े बड़े याद आते हैं। अपना टाइम आएगा, पर अपना टाइम आए ना आए, पर भगवान का टाइम जरूर आता है। हे भगवान, मुझे इस तकलीफ से दूर करो, मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान भले ही प्रकट हो गए तो वो भी एक वरदान देंगे, तेरा नसीब तेरे पास, ततस्तु। तू ही देख ले, मेरे और भक्त मेरी राह देख रहे। क्या करे, भगवान की बात भी कड़वी लग रही थी, वो भी सही कह रहे थे। क्यों मैं दिन में 5 से 10 मिनट रनिंग नहीं कर सकता हूँ? भाई एक तो बात फतेह की है, चलने से बहुत सारी बीमारी से बच सकते हो, जैसे कि हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर होना, वजन बढ़ना। और एक्सरसाइज करनी हो तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंड क्यों हो? खुद उठो, खुद अकेले जाओ और जितना पेट को आवश्यकता है उतना ही खाओ। पानी ज्यादा से ज्यादा पी लो और इस भाग दौड़ जिंदगी में खुद का ख्याल रखना न भूले। मैं आपको ऐसे 3 चीज बताऊंगा, अगर उस 3 चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपका मैक्सिमम वजन कम ही नहीं, आप अच्छे खासे हेल्दी दिखोगे। तो पहला, ऐसे धीरे धीरे खाएंगे तो घटेगा वजन। यदि आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आप अपने शरीर के संकेत देने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा कैलोरी को खा चुके होते हैं। तेजी से खाने वाले लोग मोटे होने की संभावना अधिक होती है, उनकी तुलना में जो धीरे धीरे खाते हैं। धीरे धीरे भोजन चबाने से आप कम कैलोरी का सेवन करते हैं और वजन घटाने वाले हार्मोनों को उत्पादन बढ़ता है। दूसरा उपाय, वजन कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। वास्तव में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पानी पीने से वजन घटता है। हर एक घंटे में 0.5 लीटर पानी पीने से 24 या 30% तक कैलोरी को बर्न हो सकता है।
खाने से आधे घंटे पहले पानी पीने से आप कैलोरी का सेवन कम करते हो। पानी वजन कम करने के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा होता है, खासकर तब और भी जब कैलोरी और चीनी युक्त अन्य पदार्थ पेय को पिया जाता है, तो पानी बहुत ही बहुत अच्छा होता है। तीसरा उपाय और ब्रिलियंट उपाय, ब्रश करना। आप सोचते रहेंगे कि ब्रश करने से किसी का वजन घटता है, तो हाँ, अगर आप दर दिन दांत साफ करेंगे तो आपके वजन के लिए वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत से लोग खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करते हैं, जो भोजन करने से पहले नाश्ते या खाने की इच्छा की सीमित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अपने दांतों को ब्रश करने के बाद कुछ नहीं खाते। इसके अलावा ऐसा करने से भोजन का स्वाद भी नहीं आता है। इसलिए यदि आप खाने के बाद माउथ वॉश या ब्रश का प्रयोग करते हैं, तो फिर आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करेगी। आपकी जिंदगी को फिट एंड फाइट स्वस्थ लाइफ जीने के लिए मैं आपको पेश कर रहा हूँ यमाई बैंड 3 हैंड वॉच। इसमें बहुत सारे फीचर है जो आपका वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। मैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ। अगर आपको खरीदना हो तो आप इजी से वहाँ से खरीद सकते हो।